ब्रदर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपके बाल बहुत प्यारे हैं। क्या मॉडलिंग वॉडलिंग करते हैं? दूर से दिख रहा है स्ट्रगलिंग। गुड टू सी ऑल। काफी लोग वैलेंटाइन मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, काफी लोग सिंगल ही आ ही गए हैं। एक दो तीन चार पांच, पांच लड़के एक लड़की बेचारी, वो एक लड़की, तुम गुम्मत बने बैठे हो, गुम्मत फुल स्टॉप बन के बैठे हो कि इनके आगे कोई लड़का नहीं बैठेगा। बट गुड, हाथ में आप स्टेपसिल भी लेके आए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे को पैसे भी चाहिए 1,00,000। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रदर। नहीं मेरे पास भी, मैं 500 खा चुका हूँ, उसके बाद ये गला है। हो गया है, मास्क लाओ मेरा यार। नहीं आप मैम इनके साथ हैं? टाइम तो आपने लिया। कोई नहीं कोई नहीं, पर मैम कैसे जानते हैं आप इस शख्स को? फिर आपने कभी इसको रिश्तेदारी में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करी? कभी आपका मन है कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और फिर हद से गुजर? अच्छा आप ये कौन है? हाँ पता, हमें भी गिनती आती है, नल्ले मुन्ने नाले, हमें भी पता है। हम स्कूल गए हैं, तीन हमें दिख रहे थे तीन लोग ऐसे। ये कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं ब्रदर, गुड टू हैव यू। ब्रदर क्या नाम है आपका? ईशान। क्या? ईशान। तो चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, आवाज़ ख़राब है आपकी। पीछे तक सुनना चाहिए पीछे तक। अच्छा पीछे तक कहाँ तक जानी है आपकी आवाज़? क्या रखा है आपने ये? हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड अमंग दीज टू गाइज? ये हैव यू एवर टेस्टेड हिम जिंदगी के अंदर कभी भी बुरे टाइम में? नॉट यू, आई विल टेल यू। ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, देखो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं और मैं अपने हर साल अपने बेस्ट फ्रेंड को रिन्यू करता हूँ। रिन्यू करता हूँ मैं हर बार अपने, ऐसा से नहीं मैं टेस्ट करता हूँ। आई विल टेल यू हाउ, आप भी टेस्ट कर सकते हो ब्रदर, कि जैसे आपका जैसे ही हैप्पी बर्थडे आता है आप केक काटने के लिए रेडी होते हो और फिर केक कटना शुरू होता है, जैसे ही केक कटता है तो वैसे एक आवाज़ आती है, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पे गा रहे हैं 8 या 9 लोग। फिर नेक्स्ट लाइन, हैप्पी बर्थडे टू यू, यहाँ पे 4 लोग। फिर इसके बाद हैप्पी बर्थडे टू डियर, यहाँ पे 2, और आखिर राजा। ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि यही इतनी एफर्ट लगा सकता है। बट गुड गुड सर, गुड। हाय सर, हाउ आर यू? आई गेस यू आर न्यूली मैरिड, आपकी वाइफ को देख के तो लग रहा है। उनकी तो नहीं है, आपकी? इन्होंने नहीं पहना चूड़ा, इसमें क्या हो गया आप लोग? दीज गाइज ना सर, आप ही ना, इग्नोर करो। हाय मैम, वॉज इट लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज मैम, आपको पता है कभी आपने उम्मीद खरीदी है? वो होता है शादी.com पे मेंबरशिप लेना। सिंगल लड़कों आपको समझ नहीं आया, टेंडर की मेंबरशिप लेना भी उम्मीद खरीदना ही होता है। हाय दोस्त, ये हैं 5 लड़के 4-5 लड़के। मन तो नहीं है आपसे बात करने का, मैं देख पा रहा हूँ कि जीन्स आपकी 15-15 दिन पुरानी है, किसी पे अरहर के दाल के दाग गिरे हुए हैं। जूतों पे आपने कपड़ा मारा है हल्का हल्का। हाय मैम, आप किसके साथ हैं? सबके साथ। तुम अपना माथा दिखाओ। नहीं नहीं, कोई स्पेशल ब्रांड तो क्यों छुपा रहे थे अभी आप इनको ऐसे? इनको नहीं पता था कि तुम हो आज? ओके तो तुम्हारी डेट तो नहीं है, ईमानदार से बताओ, ये पहले डेट पे गए हो? तो ये पहली डेट है?
तुम तीन लड़कों को मैं आज एक छोटी सी राय दे रहा हूं, कभी भी कोई लड़का लड़की जा रहा है कहीं और लड़का बोले कि भाई प्लीज मेरे साथ चल लो, तो जाना नहीं होता, उनको अकेला छोड़ना होता है। तुम तीनों लग पड़े एक्टिव वहां पे बैठ के, ये सर बैठे हैं सबसे बढ़िया। सर मैं आपको बता दूं, आप पहली बार देख रहे हैं स्टैंड अप? नहीं। ओके, तो मैं आपको छोटा सा ट्यूटोरियल दूंगा ताकि आपका स्टैंड अप का अनुभव अच्छा हो। कि इतिहास गवाह है कि कोई भी जब शो में ऐसे बैठता है तो जब ताली बजाने का मौका आता तो वो ऐसे तो नहीं जाता। मुझे लगा आप नान निकाल दोगे फटाफट ऐसे। आप तो मस्त आदमी हो यार। हाँ, सब लोगों ने नान निकाले हुए, मैं समझ रहा हूँ, मैं सब काम किया मैंने। क्या नाम है आपका? पुरु। ठीक है पुरु। अच्छा पुरु क्या नाम होता है? The closest second गाने तरक तुरु तुरु ओतक तुरु तुरु ओतक तुरु। हाँ हाँ, मतलब क्या मतलब, माँ एकदम सोच रहे कि क्या रखें, फिर एकदम फोन आ गया, फिर कह रहे ये रख दो। ब्रदर आप बहुत सही लग रहे हो, आपके बाल बहुत प्यारे हैं। क्या मॉडलिंग वॉडलिंग करते हैं? दूर से दिख रहा है स्ट्रगलिंग। जेलस। इग्नोर इग्नोर। नहीं नहीं, गुड यार, ऑल द बेस्ट भगवान, ऑल द बेस्ट भगवान करे आपको जो अच्छा मिले। आप ऐसे किसी को वेट लूज करने का शौक? जस्ट रैंडमली आई एम आस्किंग। मैंने 5,000 रुपये दिए पता आपको कंसल्टेंसी के, और उसने सिर्फ एक लाइन में मुझे बताया कि क्या करना है। मुझे जानना चाहते हो? हाँ, कह रहा जब भी खाना खाओ नंगे होके खाना खाओ, तो जितनी बार भी नंगे होकर खाना खाओगे देखोगे नहीं। I know 90% of you have imagined yourself. आपने भी वीडियो बना लिया? बूम रहे आप भी, मतलब मानोगे नहीं। कोई बात नहीं, मेरा अगला बार आप ही हो, कोई बात नहीं। सर हाउ शी एज अ वाइफ? वेरी गुड। Zomato पे क्या रेट करेंगे आप? The best you can it is अच्छा था काफी। मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने फोन उठाया, मैं छोड़ता नहीं किसी को भी। मैं बता रहा हूँ, मैं बाण लेके आऊँ, मेरा बाण लाओ, मेरा बाण लाओ, जरा लाओ लाओ। अब बात सुनो मेरी बात, मैं ये इसलिए लेके घूम रहा हूँ, पहली बात तो मैंने ये सीखा है, इसका रीजन सुनो। आप में से अगर कोई भी नेट पे सर्च करे रजत चौहान तो लिख के आता है ही इज एन आर्चर। किसने सर्च किया है? तो मैंने, अब हर बंदा मैसेज करता है अरे आप कॉमेडी के साथ आर्चरिंग भी करते हो? तो मैंने अभी सीख लिया है, तो मैं अब आपको आज बेस्ट दिखाऊंगा। नहीं नहीं, आपके कान में इयररिंग है, मैं उस पर मारूंगा। कितना पास का तुम बोलोगे, इजी हो गया मेरे लिए? नहीं मैम आप, नहीं नहीं मैम सीरियस है, मैम आप आपके बाल बाली है? हाँ, लास्ट वाली की तो बाली ही रह गई थी। तो कह रही अब आपको नहीं आता, मैंने कहा फिर ठीक है, कह रही आप कॉमेडी करो अच्छी बस, मैं कहा ठीक है। हाँ तो जिनको नहीं आता मैं सिखा भी देता हूँ, सीए वाले आपको सिखाओगे नहीं किसी को भी, फ्री में सिखाता हूँ। देखो नादवे,
मणिबंधम तेजा मैं बस देख रहा था कि उड़ता हुआ तीर लेगा कौन नहीं बट गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज़ वो राजी हो गई थी लाज अली मैं कान निकाल के ले गया था और ये करती रहती वैसे हाँ बोलो कोई बात नहीं चलो ठीक है ईशान आपको पता था कि ऐसी योगा शो में नहीं आप मेरा वीडियो देखा आपने कभी पता ना मैं ऑडियंस से व्यवहार बनाता हूँ ये लो व्यवहार हैं संबंध अलग होता है संबंध हमारे गवर्नमेंट के एडो में आता है किसी भी अनजान व्यक्ति का कोई संबंध ना बनाए कोई बंदा आपको ट्रेन में खाना दे तो उसके साथ कोई संबंध ना बनाए तुम कमीने लोग तो सारे हो कोई नहीं तुम्हारे जॉल एंड दर्द करनी चाहिए आज